तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? सुंदर हो? मस्त हो? हेल्दी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इसलिए वीडियो लेके आ गई। और वीडियो किसके बारे में पता है? आपने कमेंट किया था, वो भी यूट्यूब में। यूट्यूब में रेयरली आपके कमेंट देखने को मिलता है, लेकिन मिल गए तो हमने सोचा कि वीडियो बनाओ। कमेंट ये था, दीदी स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ ऐसे ऐसे होम रेमेडी बताओ जो आसानी से घर पे मिल जाए। तो हमने इतना सारा नोट बना लिया। बिना नोट का तो कुछ नहीं होता, जिंदगी भी नोटों से चलता है और हमारी यूट्यूब भी हम नोट बना के रखते हैं, उसके बाद चलता है। क्योंकि कभी कभी टॉपिक भूल जाते, क्या करे, इंसान का दिमाग है ना, कंप्यूटर दिमाग तो नहीं है। तो ठीक है, आज जाते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो बनाने से पहले आपको होम रेमेडी क्यों करना चाहिए? होम रेमेडी इजी होती है, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, केमिकल नहीं रहते, धरती बचाते हो, अपने पैसे बचाते हो, आपकी स्किन बचाते हो, आपका हेल्थ बचाते हो और एक्स्ट्रा आप टाइम भी बचाते हो, इसलिए होम रेमेडी करना चाहिए। ओके, और आयुर्वेद में होम रेमेडी का बहुत सारे होम रेमेडी है, इतने सारे रेमेडी में गिनते में बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बाल जितने, वो तो कमी बाल बचे, उससे भी ज्यादा होम रेमेडी है। ओके, और होम रेमेडी मैं क्यों करती हूँ? आपने पहले से ही वीडियो देखा होगा तो पता रहेगा कि मुझे भी एक एक्सट्रीम स्किन कंडीशन है, जिसकी वजह से मेरी स्किन लाल लाल पड़ जाती है, फ्रिकल्स निकलते हैं। लेकिन इसका इलाज कराने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए, कौन से डॉक्टर के पास नहीं गए, कितने पैसे खर्च नहीं गए, ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर हम आयुर्वेद की तरफ, कि आयुर्वेद को शरणागत करके हम उसके शरण में जाके हमने अपना इलाज किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक कोर्स भी की, मतलब डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक मेकिंग में कोर्स की, और मैंने इसमें क्या कर दिया पता है, आयुर्वेद का तड़का, ऑर्गेनिक का तड़का लगाना शुरू कर दिया और वो प्रोडक्ट इतने अच्छे बने, मेरे स्किन चमकने लग गई, तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए चलते स्किन टाइट की तरफ। तो आपने अभी तक लाल बटन नहीं दबाया, लाल बटन दबाओ। जैसे मेरा ऊपर माथे में लाल लाल है, वो लंबा वाला लाल रहता है सब्सक्राइब लिखा हुआ, वो दबा दीजिए। वो दबाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और वीडियो बनाने का, और वीडियो बनाने का, और वीडियो बनाने का मन होता है। हाँ, तीन तीन बार एक दिन में मन होता है, लेकिन टाइम नहीं रहता। ओके, तो वो कर लेना। और जिसके भी स्किन झूल रही है, स्किन डलने से ग्लो चली गई है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना है। हाँ, और जो भी लड़के लोग देख रहे हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर भेजे, ताकि वो सुंदर दिखे आपके लिए। अगर जो भी लड़कियां दिख रहे हैं आजकल के, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे टेंशन में, तुमसे बात करके रात भर जगते रहते, स्किन डलने से आ गई है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। ओके, हाँ, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे घृत कुमारी। घृत कुमारी, कोरफड़ नहीं समझ आया आपके भाषा में, एलोवेरा, एलोवेरा। ओके, जो लोगों को देते हो उसको बोलते हैं एलोवेरा, और पंजाबी में एलोवेरा मतलब ये लो बड़े भैया भी होता है। ओके, तो ये तो मजाक की बात थी, मजाक करना चाहिए। मजाक करते करते आप कुछ चीजें करते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। और आयुर्वेदिक नुस्खे तो ऐसे ही है, आपने अपने लाइफ में जैसे हंसी खुशी रहते हैं वैसे हंसी खुशी रखने के लिए ही आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेदिक रेमेडीज बने हुए हैं। तो सबसे पहला है घृत कुमारी, घ्यू कुमारी, मतलब इसको घ्यू कुमारी भी बोलते हैं। घृत कुमारी में स्किन टाइट करने की प्रॉपर्टी होती है, स्किन हीलिंग की प्रॉपर्टी रहती है, स्किन लाइट करने की प्रॉपर्टी रहती है, क्या नहीं रहती है। तो इसको क्या करना है, इसको आप सिंपली डायरेक्टली एलोवेरा जेल सुबह शाम आप लगा सकते हो, सोने से पहले लगाते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, और उसको सुबह उठ के धो लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये और किसको किसको सूट होगा, ये सबको सूट होगा। ओके, आपकी ऑयली स्किन है एलोवेरा जेल, ड्राई स्किन है एलोवेरा जेल, नॉर्मल स्किन है एलोवेरा जेल, मिक्स स्किन है एलोवेरा जेल, कोई भी लगा सकता है एलोवेरा जेल। ओके, तो पता चल गया होगा कि आपको एलोवेरा जेल कैसे लगाना है। अभी घर में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, एलोवेरा को निकाल लो, अंदर से जेल निकाल लो, उसको डायरेक्टली लगा लो। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत केमिकल डाला हुआ बाजार में मिल जाता है तो वो लगा सकते हो, नहीं तो ऑर्गेनिक कहीं एलोवेरा जेल मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात। तो सेकेंड नंबर पे ककड़ी। ककड़ी वही जो खाते हो, कोई खीरा बोलता है, कोई ककड़ी बोलता है, कोई क्या 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 बोलता है, कोई कुकुम्बर भी बोलता है। ओके, इसको आप डायरेक्टली इसका जूस लेना है, जूस आप कद्दूकस करके निकाल सकते हो, कैसे भी जैसे भी निकालना है आपकी मर्जी से जूस निकाल सकते हो। निकालने के बाद क्या करना है, कॉटन का बॉल लेना है, ऐसे डिप डिप करना है और पूरे फेस में लगा है। ओके, पूरे फेस में लगाने के बाद 20 से 25 मिनट रुकना है, फिर उसको धो डालना। ये आप दिन में दो बार कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर सकते हो, बहुत दिन कर सकते हो। ओके, और ऐसा करने के बाद जब भी अगर कद्दूकस करके ककड़ी निकालते हो, आप जूस निकालते हो, बचा हुआ ककड़ी का रायता बना के खाए, उसको फेंके नहीं। ओके, ऐसा करना चाहिए। और ककड़ी क्यों काम करता है, ककड़ी एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट है, यानी आपके स्किन को लाइट करता है। अगर आपको स्किन टाइट चाहिए तो स्किन लाइट होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किन डलनेस की वजह से भी झूला जैसा, लटका जैसा, मटका जैसा दिखता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा दिखता है ना, तो इसलिए ककड़ी का जूस लगाओ और स्किन टाइट एंड टाइट पाओ। ओके,
समझ गए। तो हाय फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बालों के लिए अच्छा है, स्किन है इसमें ऐसा जो कि वो बहुत अच्छी तरह काम करे। ये क्या करता है, आपके स्किन को इलास्टिसिटी बढ़ाता है। अगर आपके स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहे बुढ़ापे तक, तो आपकी झुर्रियां कम होंगे, फाइन लाइंस कम होंगे, रिंकल्स कम होंगे। अभी बनाए कैसे, बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथी दाना लेके ऐसे मुंह में तो नहीं मार सकते है ना। मेथी दाना को क्या करना है, पानी में डाल के भिगो के रखना है। भिगो के रखने के बाद आपको उसको पीस लेना है। अगर आप शाम को टाइम पे करते हो तो भी अच्छा है, सुबह के टाइम पे भी करते हो तो अच्छा है, दोपहर के टाइम पे भी करते हो तो अच्छा है। पीस के उसका पेस्ट बना ला है, उसका पेस्ट को डायरेक्टली इवनली लगाना है। अगर आपके रिंकल्स गर्दन में है, इधर भी लगाना है। ओके, मेरे जैसे इधर पड़ गए तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, एक दो लाइन। ओके, उसके ऊपर लगा, मैं नहीं लगाई इसलिए लगा लूंगी। ओके, मैं भी जवान दिखूंगी और आपको अच्छा लगेगा, मैं जवान। तो लगाना है, सूखने के बाद इसको धो डालना है। तो ऐसे करके भी आप अपनी स्किन को मेथी दाने से टाइट कर सकते। नंबर चार पे है शहद। शहद यानी हनी। हनी हनी मीठा मीठा रहता है, जो खाने में मीठा इतना अच्छा है। और पता है आप लोगों को एक बात बताती हूँ हनी के, ये शहद ना कभी भी खराब नहीं होता। जितना साल भी आप 100 या 5000 साल रखो तो भी शहद खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अगर आपके स्किन में पिंपल है, एक्ने है, दाग धब्बे, उनमें काम अच्छा करता है। स्किन को नरिशमेंट बहुत अच्छा देता है, आपका जो स्किन का मॉइस्चराइजिंग जो पावर रहता है उसको बरकरार रखता है और उसको लंबे समय तक रखता है। अगर आपकी स्किन में फ्रिकल्स आ रहे हैं, क्रैक लाइंस आ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, इचीनेस हो रही है, उनके लिए शहद लगाना बहुत जरूरी। शहद में कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी शहद लगा सकते हो। अगर एक्सट्रीमली आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें थोड़ा बहुत दूध के साथ लगा सकते हो। आपकी स्किन एक्सट्रीम में ऑयली है तो उसके साथ आप रोज वाटर मिक्स करके लगा सकते हो। उसको लगाना है 20 से 25 मिनट आधा घंटे तक रख सकते हो और उसके बाद धो डालना है। अगर आपके पिंपल्स लाल लाल हुए उसके ऊपर भी हनी डायरेक्टली लगा सकते हो। और आपके मतलब इचिंग हो रही है, खाज खुजली हो रही है, रैशेज पड़ रहे हैं, जो भी एलर्जी होती है स्किन में, उसमें हनी बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो ये था, ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो भी रैशेज है, आपकी स्किन में ड्राइनेस है, इचिनेस है, वो खत्म होगा। ऐसे खत्म होने से क्या होगा, अभी इसका और स्किन टाइटनिंग में क्या संबंध है। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो आप तो जवा तो देखने ही वाले हो ना। पांचवे नंबर पे नींबू का रस यानी लाइम रस। अभी इसमें बहुत सारे डॉक्टर बुद्धिजीवी आ जाते हैं ज्ञान पेलने के लिए। वो बोलते कि नहीं, बहुत एसिडिक रहता है, इसको मत लगाओ। एड़े लोग, थोड़ा दिमाग यूज करो। लेमन जूस लाके ऐसे डायरेक्टली मुंह में फेंको नहीं बोलते, लेमन जूस का होली खेलो नहीं बोलते हम लोग। उसमें हनी ऐड करने के लिए बोलते हैं, उसको बेसन ऐड करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका पीएच लेवल बैलेंस में रहता है और बैलेंस होने के बाद हमारे स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अभी लेमन जूस क्या करता है, ये तो एस्ट्रोजन का काम करता है, ब्लीचिंग का काम करता है। ये क्या करता है, आपके दाग धब्बे को कम करता है, माइल्ड करता है, स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। अगर स्किन लाइट हो गया तो स्किन को क्या पाओगे, थोड़ा बहुत टाइट फील करोगे। अभी लेमन जूस को डायरेक्टली कैसे यूज करना है, डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं करना है। अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप उसको पानी डाइल्यूट कर सकते हो, हनी में डाइल्यूट कर सकते हो, शहद के साथ लगा सकते हो, उसको मसूर के दाल पीस के उसमें हनी ऐड करके लगा सकते हो। डायरेक्टली नींबू के रस को चेहरे पे कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इससे जलन हो सकती है। और ये सब चीज करने के बाद भी आपको अगर कोई भी स्किन में एलर्जी होती है तो उनको लाइम जूस प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी मैं होम रेमेडी बताती हूँ, इसका ये ध्यान देना हो कि आपको कौन सा चीज सूट होता है, आपको निर्धारित करना होगा, आपके स्किन को निर्धारित करना होगा। कोई भी रेमेडी आप करते हो ना, सबसे पहले प्याज टेस्ट करें। प्याज टेस्ट होता है, प्याज में टेस्ट नहीं करना है, प्याज लेना है छोटा सा, तो थोड़ा हिस्सा लेके इधर लगाइए, इधर लगाइए, दो तीन पे लगाइए। ओके, उसमें आपको इचिंग नहीं हो रही है, जलन महसूस नहीं हो रहा है, तो वो रेमेडी आपके लिए। तो फ्रेंड, छठे नंबर पे है पपीता। पपीता खाने से आंख अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, तो लगाने से क्यों नहीं होती है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी। अगर मैं बचपन से खाती हूँ ना तो ये चश्मा नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति बन जाता है, कभी हम पपाया खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं रहते, कभी जब पपाया खाने का मन होता मार्केट में पपाया नहीं मिलता, अभी ऐसा हो रहा है। तो पपाया को कैसे लगाए, जब भी आपको पपाया मिलता है उसको मैश कर लेना है, यानी उसको मतलब एकदम पका हुआ पपीता लेना है। और कच्चे पपीता लोगे, दीदी ये तो हम हाथ से मसल रहे और मैश नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हो तुम लोग कभी कभी। तो उसको क्या करना है, मैश करने के बाद आपको चेहरे पे लगाना है, अच्छी तरह मसाज करना है। मसाज करने के बाद और एक थिक पेस्ट लगा लेना है और उसको भी 15 से 20 मिनट रहने देना है, नॉर्मल पानी से साफ कर लेना है। और ये पपीता क्यों काम करता है, ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छी तरह। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके जो भी इम्प्योरिटी है स्किन में निकाल लेता है। ओके, तो इसकी वजह से भी ये क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। तो फ्रेंड, सातवें नंबर पे हम सबको साथ देने वाला, बचपन से जिसने साथ दिया
यानी मिल्क, ओके, दूध का प्रयोग करना है। दूध एक नेचुरल क्लींजर है, आपकी स्किन कोई भी टाइप का हो, आप दूध से डायरेक्टली अपनी स्किन को मालिश करके कॉटन से या कपड़े से या सूती कपड़े से पोंछ सकते हो। कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर आए, कोई भी बोले आपको मिल्क नहीं लगाना चाहिए, तो उसी मिल्क के कटोरी से उनके मुंह में फेंक के मारो, मेरे पास भेज देना, हम कारण दे देंगे। वही मिल्क जो प्रोडक्ट है किसी क्लींजिंग में है, किसी स्क्रब में है, किसी साबुन में है, किसी क्रीम में है, तो वही डॉक्टर वही लिख के दे देते हैं ताकि उनको कमीशन मिले बोल के, ओके। आप डायरेक्टली कच्चा मिल्क से रेगुलरली अपना स्किन सुबह शाम साफ करते हो तो ये एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन टाइट करता है, स्किन का इम्प्योरिटी है, सबसे अच्छा क्लींजिंग है ये, पूरा जो गंदगी है निकाल लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, दूध लेना है, डायरेक्टली मसाज करें, उसको कॉटन से वाइप करें, आपको दिख जाएगा कि कितना गंदगी दूध निकाल सकता है। यही चीज आप एक कटोरी भर का दूध लेके पूरे बॉडी में मसाज करके उसके बाद नहा लेते हो ना, आहा, स्किन की क्या बात करें, चमक हो जाएगी और जवा दिखोगी। दूध भी ऐसे आपके शरीर में एंटी एजिंग यानी स्किन टाइटनिंग का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आठवें नंबर पे है रोज वाटर यानी गुलाब जल। गुलाब जल ब्यूटी में यानी सौंदर्य प्रसाधनों में सदियों से प्रयोग होते आ रहा है, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे फेस पैक बना के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो सुगंध के लिए हो, सब चीजों में रोज वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो रोज वाटर एक एंटी एजिंग रहता है, ये क्लींजिंग भी करता है, ये एक एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम करता है, एक स्किन टोनर की तरफ से भी काम करता है। स्किन टोनर में सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए आपको रोज वाटर का, ओके। तो रोज वाटर को कैसे प्रयोग करें, रोज वाटर को डायरेक्टली भी आप प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्टली लेना है। आप जब भी चेहरा धो लिया, साफ सफाई हो गया, उसके बाद आपको डैपिंग करना है, इसको धोने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे रोज वाटर से आप अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नौवे नंबर पे है टर्मरिक यानी हल्दी। अरे हल्दी 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 चंदन से नहाया हुआ, हल्दी जैसा गुण, हल्दी जैसा चमक। शादी से पहले हल्दी लगाने की परंपरा है क्योंकि दुल्हन और दूल्हा चमके, उनको मेकअप की गरज ना करे। आजकल आर्टिफिशियल इतना थापते, खुद मेकअप आर्टिस्ट भी मेकअप का बदला भी कर रहे हैं। हरिओम फिर भी क्या है, जो सच्चाई तो सच्चाई है, बोलना तो पड़ेगा, है ना। अगर हमारे स्किन में कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे तो मेकअप थापने की जरूरत ही क्या है, है ना। अपने फीचर्स अच्छा दिखाना चाहते हैं इसलिए मेकअप करते हैं, तो इसका मतलब आपको झूठ बोल के शादी कर रहे हो, है ना। तो ये बात होती है। तो हल्दी में तो बहुत सारे गुण है, आपको पता होगा, कट गया, छिल गया, फट गया, डायरेक्टली हल्दी लगाओ बोलते थे पहले के लोग। खांसी हो गई, बुखार हो रही है, खुजली हो रही है, हल्दी लगाओ बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी नया जनरेशन मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर सीखते आ रहे हैं, वो हल्दी को तो जल्दी भूल रहे हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी और नया बीमारियां। वो कभी भी ना भूले, आपको क्या करना है, हल्दी को डायरेक्टली फेस में कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि ये क्या कर देता है, आपके स्किन को पीलापट कर देगा। और बोलोगे दीदी आपने हल्दी लगाओ बोला और हम पूरे पीले हो गए, मेरे पति आए थे मुझे देख के डर के भाग गए, कौन सी दूसरी औरतें बोल के, ऐसा हो जाएगा। हल्दी को कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाना है, हल्दी को एक दो चुटकी लेना है। बेसन के साथ लगा सकते हो, चंदन के साथ लगा सकते हो, दूध में एक चुटकी हल्दी डाल के लगा सकते हो, रोज वाटर में एक चुटकी हल्दी डाल के लगा सकते हो, ककड़ी के जूस में एक चुटकी हल्दी लगा के डाल सकते हो, हनी में एक चुटकी हल्दी डाल के लगा सकते हो। ये एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा है। साथ में अगर आपको स्किन अच्छा दिखना है तो खाली पेट एक ग्लास पानी में एक चुटकी भर का हल्दी पिए। ऐसा रेगुलरली करते हो तो स्किन ग्लो करेगा, स्किन टाइट करेगा, ऊपर से आप लगा रहे हो वो तो टाइट करने वाला ही है। और हो सके तो रात के टाइम पे कभी भी आप सोने से पहले आधा एक घंटा पहले एक ग्लास दूध में दो चुटकी हल्दी डाल के रेगुलरली पीते हो, तो ये आपको मतलब पौष्टिक तत्व तो देता ही ये देता है, साथ में स्किन को हमेशा अच्छा रखे। तो फ्रेंड्स, लास्ट नंबर पे है दही। दही लगाना है, अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दही खाने से बचे, खट्टा दही खाने से तो बहुत बचे, लेकिन दही को आप खाने से तो बचे लेकिन लगाने से कभी नहीं बचना चाहिए। आपको दही रेगुलरली लगाना चाहिए। खाज खुजली होती है बालों में, दही लगाओ, खट्टा दही लगाओ, अच्छी तरह मसाज करो, आधा घंटा रुको, बाल धो, अच्छे रहेंगे, ओके। और साथ में स्किन में कैसे रहे, स्किन में क्या होता है, दही नेचुरल एक एस्ट्रीजेंट का काम करता है, साथ में ये एक्सफोलिएट करता है जो डेड सेल्स है उनको निकालता है, इम्प्योरिटी को निकालता है। अगर उसको आप अच्छी तरह मसाज करते हो, दही को लेके 5-6 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करना है और इससे नॉर्मल पानी से साफ कर लेना है। रेगुलरली ये करते हो ना, आपकी स्किन की इम्प्योरिटी खत्म होगा, स्किन की इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है तो स्किन क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है, और ग्लो करने के बाद ही आपकी स्किन टाइट तो दिखेगी, टाइट सच में होती भी है, लेकिन रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। तो आज थे ऐसे एंटी एजिंग होम रेमेडी, स्किन टाइटनिंग के होम रेमेडी जो आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, और मैंने साथ में साथ ये इतना ही नहीं बताया
कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है, कैसे काम कर सकता है, ये भी बताइए। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। कमेंट करना ना भूलें। और ये जो रेमेडीज है, दूसरे रेमेडी आपको कब करना चाहिए, आप ये रेमेडीज, कोई भी रेमेडी हो, हर रेमेडी हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो रेगुलरली कर सकते हो। अगर जो ककड़ी का जूस हो गया, दूध का हो गया, ये जो बोलिए रोज वाटर हो गया, ये आप हर दिन 2 टाइम भी कर सकते हो। एलोवेरा जेल 2 टाइम लगा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आपके जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, हम दूसरे वीडियो में आएंगे। मैं जाती हूँ अभी, तो दूध से थोड़ा चेहरा धोके, बहुत बैठ गई इधर फैन के ऊपर। चलो बाय बाय।